आदाब दोस्तों, तो 2020 तो निकलने ही वाला है, लेकिन आपके मन में एक जरूर सवाल आया होगा कि यार 2020 में बेस्ट स्मार्टफोन कौन से हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि 2020 के कौन से बेस्ट स्मार्टफोन हैं, जो कि अगर आप सोचें परचेस भी करने के लिए तो आप ये परचेस कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कैटेगरी वाइज बताऊंगा, यानी कि बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन कौन सा है, फिर बेस्ट बैटरी लाइफ स्मार्टफोन कौन सा है, या फिर मैं बात करूँ बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन कौन सा है, या फिर बेस्ट प्रोडक्टिव स्मार्टफोन कौन सा है, या फिर मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ऑफ 2020 कौन सा है, या फिर मैं बात करूं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन कौन सा है। आज मैं इन सारे स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से स्मार्टफोन है। सो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। सो लेट्स फोकस ऑन द कंटेंट। तो चलिए बात करता हूँ कि बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 2020 कौन से हैं, जो कि पहले नंबर पे आता है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी, और वो स्मार्टफोन का नाम है वन प्लस नॉट। शायद आप मेरी बात से एग्री भी होंगे अगर आप थोड़े बहुत वन प्लस नॉट के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को इसके पहले प्राइस बता देता हूँ, वो है 27,999 रुपीज़। एक बेस्ट वेरियंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो 8 GB RAM 128 GB स्टोरेज के साथ आता है, प्लस इसके अंदर 5G सपोर्ट है। अब आप लोग सोचेंगे 5G सपोर्ट तो Moto G 5G के अंदर भी है, जो कि इससे भी सस्ता है, लेकिन इसके अंदर जितने जो फीचर्स हैं वन प्लस नॉट के अंदर, वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर है, और Moto G 5G कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ वन प्लस नॉट के बारे में, तो भाई इसके अंदर पहले होता है डुअल फ्रंट कैमरा के साथ क्वाड रियर कैमरा आता है, और इसके जो भी जितने भी फीचर हैं वो एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन के अंदर है, यानी कि फ्लैगशिप क्लियर स्मार्टफोन है, जो कि वन प्लस नॉट 28,000 में आप लोगों को मिलता है। तो यह मोस्ट वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन ऑफ 2020। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं कि बेस्ट स्मार्टफोन और बैटरी लाइफ 2020 कौन से है, और वो है सैमसंग का M51। एम सीरीज़ में सैमसंग का कुछ अच्छा हो या ना हो, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो मेगा मॉन्स्टर है। मैं M31 यूज़ करता हूँ, जो कि उसकी बैटरी 6000 है, और जब आया इसके बाद M31S के बाद M51 जो आया वो है 7000 की मिली एम्पियर बैटरी। इतनी बड़ी बैटरी, मैं 6000 मिली एम्पियर की बैटरी यूज़ करता हूँ, और मैंने नॉर्मली यूज़ किया जो वो पूरे दिन चल जाता है भाई। मैं गेम खेला हूँ, मतलब मैं एक दिन टेस्ट कर रहा था कि मेरी बैटरी कितने, मतलब ये जो 6000 की जो मिली एम्पियर बैटरी है कितनी लंबी तक चलती है, तो लगभग पूरा दिन चल गया था, और ये तो है 7000 की। तो ये भाई मेगा मॉन्स्टर बैटरी। तो ये है बेस्ट बैटरी लाइफ ऑफ 2020 स्मार्टफोन, जो कि है सैमसंग का M51। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करता हूँ कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ 2020 कौन से, और शायद आपने गेस ज़रूर कर लिया होगा, और वो है आईफोन 12 प्रो और आईफोन 12 प्रो मैक्स। ये दो स्मार्टफोन हैं जो कि बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ 2020 दिया गया है। इसके अंदर थोड़ा बहुत बता दूँ, अगर मैं फीचर्स बताता हूँ तो ट्रिपल कैमरा के साथ आता है, और एक सिंगल फ्रंट कैमरा के साथ आता है जो कि 12 MP का है। और आप लोग सोचेंगे 12 प्रो है और 12 प्रो मैक्स दोनों है, तो भाई दोनों का सेम जो कैमरा का जो मेगापिक्सल 12 ही है, लेकिन सोचते होंगे कि जब 12 ही है तो एक ही देते, या फिर प्रो मैक्स देते, या फिर प्रो ही देते। तो इसके अंदर ये है कि भाई अगर मैं बात करूँ प्रो मैक्स के, तो उसके अंदर 5x का ऑप्टिकल जूम, और इसके अंदर जो कि 12 प्रो के अंदर है 4x का ऑप्टिकल जूम। लेकिन जो ओवरऑल जो कि रिपोर्ट के हिसाब से जो कि कंपनी देती है, जो रेटिंग के हिसाब से जो दिया गया है बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ 2020, वो है आईफोन। आप लोग सोचते होंगे कि इतने जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के अंदर मैं बात करूँ 108 MP हो गया, 64 MP हो गया, इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन आईफोन का 12 MP का कैमरा है तब भी बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन माना गया है। सबसे पहले तो बारे में बता दूं कि ये वाला जो आपका कन्फ्यूज़न है, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि क्यों जो एंड्रॉयड स्मार्टफोन के जो कैमरे 108 MP होते हैं और आईफोन के 12 MP होते हैं, लेकिन बेस्ट क्यों होते हैं, यानी कि कैमरा स्मार्टफोन आईफोन के ही। और इसके बारे में बता दूं कि अब तक सबसे जो कि फास्टेस्ट ये प्रोसेसर की बात करें तो इस टाइम यानी कि आईफोन के 12 सीरीज़ में लगा है, वो है कि A14 बायोनिक चिप।
तो ये भाई प्रोसेसर भी बहुत ही मायने रखता है कोई भी अगर स्मार्टफोन को यूज़ करने, अगर मैं कैमरे की बात करूँ या फिर परफॉर्मेंस की बात करूँ, तो ये माना गया है भाई आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स बेस्ट कैमरा स्मार्टफोन ऑफ 2020। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है कि बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ 2020। और आप लोग शायद जानते होंगे, मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ कि आजकल जो 80% स्मार्टफोन जो अच्छे प्रोसेसर वाले आते हैं वो गेम की वजह से आने लगे हैं। और एक उसका एक जो बहुत बड़ा जो गेम आया है वो है पबजी, जो इस टाइम बैन है हमारे इंडिया में। तो इसके बारे में बात करता हूँ कि बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ 2020। अगर आप लोग गेमिंग स्मार्टफोन के बारे में आपने अगर इससे पहले सर्च किया होगा तो शायद आप जानते हो भी होंगे आसूस का आरओजी फोन 3। और जो आसूस का आरओजी फोन 2 भी बहुत अच्छा था और आसूस का आरओजी फोन 3 भी नेक्स्ट लेवल है। इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को फीचर्स बता देता हूँ। स्नैपड्रैगन यानी क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्लस जो कि ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ आता है, यानी कि भाई गेम खेलो मतलब कुछ भी करो, जो कि 144 हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। और इसके जो अगर मैं बेस वेरिएंट की बात करूँ तो 8 GB रैम, 256 GB इंटरनल स्टोरेज, और अगर आप उससे भी आगे जाना चाहते हो तो 12 GB रैम और 256 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो ये जो गेमिंग का जो परफॉर्मेंस है नेक्स्ट लेवल है। अगर आप एक यूट्यूब स्ट्रीमिंग का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि कोई गेमिंग स्मार्टफोन परचेस करने के लिए, तो आरओजी फोन 3 से अच्छा मुझे नहीं लगते कोई और स्मार्टफोन है। ये खासकर बनाया गया है, इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं, कूलिंग वाला सिस्टम है, यानी कि अगर आपका स्मार्टफोन गर्म हो जाता है यानी बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है, जाहिर सी बात है हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन हीट करने लगता है, तो इसके अंदर कूलिंग वाला भी सिस्टम है जो ऑटोमेटिक कूल कर देगा स्मार्टफोन को। बहुत ही बेस्ट स्मार्टफोन है जो कि 6000 के मिली एम्पियर बैटरी है, बहुत बड़ी बैटरी है। तो ये है बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन ऑफ 2020 आसूस का आरओजी फोन 3। जो कि नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो है बेस्ट प्रोडक्टिव स्मार्टफोन ऑफ 2020। और अगर आप सोच रहे हैं कि iOS में मुझे नहीं जाना है यानी एप्पल में नहीं जाना है, आपका जो बजट है लगभग 1 लाख समथिंग है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग S20 Ultra 5G लीजिए, यानी कि अगर आपको एंड्रॉयड में आना है। इसका थोड़ा बहुत मैं फीचर्स बता देता हूँ। 108 मेगापिक्सल का इसका अल्ट्रा वाइड एंगल है, 50x का जूमिंग वाला सिस्टम, और इसका अगर आप सोच रहे हैं कि सेल्फी वेल्फी लेने का, यानी फ्रंट कैमरा इसका थोड़ा सा कम है, 10 मेगापिक्सल है, और ये फोल्डेबल फ़ोन है, यानी कि आप इसे टैबलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, और आप एक यानी कि सिंगल स्क्रीन वाले स्मार्टफोन के तौर पे भी स्मार्टफोन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये बेस्ट प्रोडक्टिव स्मार्टफोन ऑफ 2020 इसको दिया गया है सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा 5G। और जो कि नेक्स्ट कैटेगरी क्या आता है वो है मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन ऑफ 2020। अब तक के जो भी मैं आप लोगों को कैटेगरी बता चुका हूँ, चाहे गेमिंग की बात करूँ या फिर कैमरा की बात करूँ, वो सारे फ्लैगशिप स्मार्टफोन है सैमसंग और वन प्लस नॉट को छोड़कर। लेकिन अगर मैं बात करूँ, अगर आपका बजट 10 to 15,000 है, तो मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन आप 2020 आप ज़रूर खरीद सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्राइस है वो है 13,000। स्मार्टफोन का नाम है Redmi Note 9 Pro, और इसके अंदर जो आई थिंक इसलिए पॉपुलर हुआ, इसके अंदर इनबिल्ट एलेक्सा आता है, और एक जो सबसे खास बात है जो कि ज़्यादातर लोगों को गेमिंग पसंद है, और जो इसका जो प्रोसेसर आता है जो लेटेस्ट 8 नैनोमीटर वाला जो कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G के साथ आता है। आई थिंक यही वजह जो थी एलेक्सा वाला और जो लेटेस्ट का जो प्रोसेसर अभी आया 8 नैनोमीटर 720G का, इसलिए आई थिंक ये पॉपुलर हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपके हिसाब से बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ 2020 कौन से हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मैं ऐसी वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।